बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू सहर दिल में धड़के कश्मीर के इनके तो सन खिदमत में हाजिर हैं। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि ठीक ठाक हो, सो खैर खैरियत नाल हो जी। अज बुद्ध दिन और कश्मीर का दिन होंगे जी। बिल्कुल कश्मीर दी खूबसूरतियाँ, कश्मीर का टैलेंट, कश्मीर के नज़ारे और कश्मीर का जितने भी रंग हैं असं इस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। तो खैर और भी मजीद गपशप कर सा काफ़ी कुछ है इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरे नाल हमेशा की तरह सैफ-उर-रहमान साहब मौजूद हैं। तो जल्दी नाल उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करने हर कदे आखने फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बदा सा। अस्सलाम वालेकुम हर कदे आओ। वालेकुम अस्सलाम जी, तुसी भी हर कदे आओ ते तमाम देखने वालों को भी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, आवा खैर। और जिस तरह असि हमेशा आखने कि जी ये जरा दिन है इस भी तुसी शामिल हो सकते हो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस जड़े हैं वो तुसी कर सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो। और ख़ासकर कश्मीरी लोग जड़े हैं बड़े मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। और जब भी मेरा कश्मीर जुलना है मतलब एक तो खूबसूरती तो अल्लाह ताला बहुत अता की दी है, लेकिन उत्ते जड़े लोग हैं बड़े मेहनती जफाकश और मेहमान नवाज बहुत हैं। तो बिल्कुल जी जी सुगात तक इन कैसी तुसते आने इस प्रोग्राम बिच आज भी काफ़ी कुछ देख सो कश्मीर के हवाले नाल, तुसी गेस्ट भी मौजूद हो सुन कश्मीर के हवाले नाल, और इस तो अलावा कश्मीर की जी सकाफत है उसके रंग भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जुलसन पैकेजेस की सूरत बिच। तो मैं आखना चाहनी हाँ कि जितनी खूबसूरत जबाना, क्योंकि के टू चैनल की अगर गल की जुले तो एक खूबसूरत जहाँ गुलदस्ता मुख्तलिफ जबाना का तुम इस इन प्रोग्राम्स में देखते हो। तो इसी तरह कश्मीर से ये जरा प्रोग्राम मुख्तस किया गया है इसका मकसद ही यही है कि कश्मीर दियाँ जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं तुसा तक पहुँचाइया जुलन, चाहे तुम पाकिस्तान के किसी कोने बेचो या पाकिस्तान तो बहर हो। तो बिल्कुल जड़े गोजरी बोलने वाले लोग हैं, जड़े पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, जड़े कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल रहन, कॉल करन और अपनी अपनी मादरी जबान जड़ी है उस बच्चे नाल गलबात कर रखते हैं। तो इस तो अलावा जनाब पी एस एल के दौरान जरा अस खास तौर पर एक जरा सिलसिला असा शुरू हो गया जी, दिल में धड़के कश्मीर, और फिर उतो असा जश्न अजम हौसला भी चल रहा है। उस हवाले कश्मीर की जड़िया मॉर्निंग यादा हैं, कुछ यादा भी अज के मॉर्निंग में जी शामिल कर सर। फिर इस तो इस गल की गोजरी के हवाले, तो गोजरी का सैगमेंट भी उसी खास तौर पर पहला जरा सैगमेंट होंगे जी अखबार की गल करते हैं। हाँ चाह है, पी दी है, ते नाल अखबार भी पी दी है, चाह भी पी दी है, ठंडी होंगी तो चाह के ना मैं चाह के खैर मैं तो खबर पढ़ सा फिर पी सा। तो काफ़ी सारे लोग जड़े हैं इस वेले चाय दिया चुस्कियाँ कह रहे हो सुन स्क्रीन अगे बह के, और नाले नाल जड़िया हैं खबर का इंतजार भी हो सी कि जी अज क्रिएटिव टाइम्स अखबार में खबर किड़ियाँ लगी दी हैं। खबर काफ़ी सारिया हैं, ज़्यादातर असी वो खबर शामिल करने हैं जो आवाम नाल रिलेटेड होंगे, मुख्तलिफ इशूज होंगे मुल्की सतह होते भी जी होनी हैं जिसको आते हैं ना असी सुर्खियां आखते हैं या आईलाइनर मस्कारे आखने हैं आईलाइनर आखने हैं वो जड़ियां असी आईलाइनर वगैरह शामिल कर सकें, क्योंकि जड़ियां हेडलाइंस और सुर्खियां ना से तो बड़े जड़े हैं माशाल्लाह असन दे तजज़िया निगार जड़े होंदे ने अच्छे तकड़े असन दे के2 दे भी हैं जीना और खैबर दे भी हैं, तो वो तो उससे ज़्यादा रोशनी अच्छी पाकते हैं और ज़्यादा उन्हें कुल माशाल्लाह उस हवाले नाल गलां भी हैं। तो असं जिहड़ियां आम आवाम नाल भी हैं जिन्हें बेचनी के वो आइन की जीम की नून के रे के मीम के तहत की बातें वो असं नहीं कर रखते, क्योंकि वो मुश्किल गलां होंदियां ने ओ ना को आप भी नहीं समझ आनी है सियासत दा। और वैसे भी के2 चैनल से तुसी करंट अफेयर्स दे प्रोग्राम भी देखते हो, ते मौजूदा जड़े हालात चल रहे होंदे ने उस ते तफसीलन जड़े है गुफ्तगू होंदी है, लेकिन असी कुछ खबरें जड़ियां हैं शामिल करके ने जी। पहली जड़ी खबर मैं शामिल करो लगी हाँ ओ जी नून लीग के हवाले नाल, नून लीगी अरकान का शहबाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा। चार लोग अकले कुल नहीं, पार्टी में मशावरती दायरे का दायरेकार को बढ़ा दिया जाए, ये आखना जी मियाँ जावेद लतीफ दा। और जिस तरह इलाज के बहाने ते जड़ा है बाहर जुलना जी इस बात प्यूज हैज बिकम शुल्क्स क्या क्या मतलब ट्राइंग टू शुल्किंग मतलब प्यून शुलकना की कोशिश कर रहे हैं, शुलकना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, पार्टी के अंदर जो है बड़ा तोड़फोड़ जारी हो। हाँ आते नहीं रहे कि एक ही हो गया बस, ये तो जुल के तुसने डेरी पके ला के दिन इन्हें कुछ चाहिए एयरपोर्ट ते झुलन और उत हर मतलब वीकली जुलते करन ये लोग
और इजलास दी जाई एयरपोर्ट ते उथे जुल के अगर ये नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर दे कर ना जा तेनु अखियां उड़ीक दियां अखियां उड़ीक दियां दिलवा जा मारदा जी स्पेशल मशवरा जी नून लीग अरकान जितने भी हैं रहनुमा हैं लेकिन उन्हें जो क़यादत है उसे हम भी थोड़ा जा सीरियसली सोचना पैसे की ज़ाहिर है नून लीग इतना अरसा हुकूमत की है और हूँ जड़ा है क़यादत जड़ी है सारी बार चली गई है पीछे रह गए जी जड़े लोग तुझे गल कर दे सॉरी मैं संदी कता कलामिया से माजरत खां अच्छा जी मैं जड़ी उर्दू बोल रहे हैं असों को इस बिच असंदे एक्ट असों को इस चीज ते फखर इस चीज दे केटू दे वाले नाल जदों असी खास तौर ते गल करदे जी कि एक्ट मादरी ज़बानां जड़ियां हैं असंदियां मां बोली ज़बानां उस बिच असी जड़े प्रोग्राम करदे हो नाल केटू दी स्क्रीन ते जड़ी उर्दू दे असंदे प्रोग्राम्स हैं फिर ईवन तुसी असंदे केटू टेलीविजन दा आदाब अर्ज़ प्रोग्राम विच तुसी देखो मैं जमीन साहब दी साहिबा दी जड़ी उर्दू जिस तरह सी ओ बोलदी हैं बड़े शगुफ्ता अंदाज विच और बड़ी लफ्ज़ां दा जिहड़ा उन्हां दा चुनाव होंदा है ते असां दे जिहड़े मशर हैं जनाब वो भी असां दे जिहड़े ग्रुप्स हैं उस विच भी वो असां को उर्दू की तरफ रागब करदे रहिंदे हैं और असां उन्हां कोल बड़े अल्फाज जिहड़े हैं उर्दू दे अल्फाज फिर वो जुमले की बुनत असीं बड़ा कुछ उन्हां कोलों सीखते हैं ते वो वाली मैं प्रैक्टिस भी नालों नाल करदा ना तुसीं विच उस टाइम मन तासते हो फिर मेरा दिल भज्जू सी ना तुसीं मतलब जिस अंदाज में बोल रहे होंदे हो ना ते मैं आनी इतने ओखे हो के बोलदे हो जाहिर है इनको तो एकदम उर्दू दे अल्फाज ते आना और फिर थोड़ा जो मुश्किल भी हो जुलदा है देखो ओखे अल्फाज ते इसी तरह उनको ना दे उस प्रोटोकॉल ना अदा करना पैंदा ना और जल्दी बिच अल्फाज एक ही मुश्किल है जल्दी बिच बोल छोड़ो फिर तो बिल्कुल नहीं समझ आते अच्छा जी जी खैर नून लीग दे हवाले नाल खबर लगी दी है वो असर शामिल की थी है और दूसरी खबर है जी पाकिस्तान में माशी हालात में इस्तेहकाम आ रहा है ये आखने जी चीनी सफीदा पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है खसूसी इकतसादी जोनस को कामयाबी की मिसाल बनाना चाहते हैं क्या बात है जी देखो ये आज तो सबको गवाही चाह दी जी गल में अक्सर असी पिछले प्रोग्राम में भी दो चार दफा में की है और असं भी सुनने उन्होंने को जो अले इलम हैं जो नॉलेज आए लोग हैं इलम आए लोग हैं और जो दूरंदेश लोग हैं उन्होंने गल् जो असं सुनने तो उन्होंने ये गल अज देखो चीनी सफीर भी तो सबको ये गल कर रहे तो अगर फिर एक बार ये खबर पढ़ो कि जी उस गल की है रोशन पाकिस्तान में मुआशी हालात में इस्तेहकाम आ रहा है पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है खसूसी इकतसादी जोनस को कामयाबी की मिसाल बनाना चाहते हैं एक रोशन मुस्तकबिल दे हवाले नाल गलां हो रही हैं जी तुसां चीनी सफीर भी दस रहे कि तुसां दी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जिहड़ी मईशत है और पाकिस्तान जिहड़ा इंशाल्लाह अगे हर आने वाले दिन नाल इंशाल्लाह बेहतरी देखो ये एक बाज़ों का अजीब जी लगदी हैं गल लेकिन उम्मीद जिहड़ी है वो नहीं हारनी चाहिए ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ना उम्मीद जिहड़ी है जी कुफर है और इतनियां गल्लां हो रही हैं इतना कुछ हो रहा है इतने इशूज़ हैं नहीं आना सा नून लीग वाली गल की ठीक है पिछले अरसे मुसलसल दिहाड़ी रात टी वी असं एक दो खबर होंदिया असं प्लेटलेट्स घट हो जुलदियाँ असं तो प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जुलदियाँ असं उ असं डिस्कस करते रहे उ असं सुनते रहे जी बीमार हो गए उन्होंने ये मसला होना वो अचानक ही बेचो सारिया गलों देखो जो बाहर गए खामोशी हो गई है यानी कि उन्होंने सेहत मिल गई है भाई है गल यही गल कर ज़्यादा तो असों को नहीं पता और ज़्यादा अस जानना भी नहीं चाहते अपनी पुपी बीमार होवे चाची बीमार होवे ताई बीमार होवे तो नवाज शरीफ की खबर का जान के कर सी कोई ना अल्लाह उसको सेहत दे वैसे ते दुआ कर रखते हैं उनास्ते लेकिन अच्छी गल हैं अच्छी खबरें जड़ियां हैं वो आ रही हैं और आलमी सतह पर इस चीज़ का एतराफ किया जुल रहा है कि जी माशी हालात जड़े हैं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं पर उम्मीद भी रहना चाहिए और ऐसिया गलों बेचो ऐसिया खबरों बेचो अच्छी उम्मीद भी तलाश करनी चाहिए और फिर ये नहीं देखना चाहिए कि जी सिर्फ एक ही बंदे का ही काम है या वजीर आजम का ही काम है या वजरा का काम है बल्कि इज्तमाही तौर उत्ते असा सारे अपना अपना किरदार अदा करना पैसे ताई पाकिस्तान के हालात जड़े हैं बेहतरी तरफ मजीद तो खैर जी अगे बंदे हैं और एक और खबर लगी दी है जी सुबह हजारा के हवाले नाल सुबह हजारा का मुकदमा एक बार फिर अवाम की अदालत में आ गया
हमने अपना मुकदमा बयक वक्त ऐवान के अंदर और बाहर पेश कर दिया है। सूबा हज़ारा काबिल सेनेट में सेनेटर तलहा महमूद ने जमा कर दिया। अच्छा जी, एक करोड़ हजारे बाल अपना हक लेने के लिए मैदान अमल में आ गए हैं। यहाँ जी सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद, सरदार मोहम्मद यूसुफ और दीगर सुन खिताब। एक करोड़ हजारे बाल जो है अपना मुकदमा लेकर मैदान कारजार में उतर गए हैं। अप्रैल आने वाले तैयार हो तुसी? बिल्कुल जी, ऐसे हजारे बाल खुल के गल करो, यहीं गल ना करो, मतलब उन्होंने सुन तो ना ना कह दिया है। एक करोड़ तो एक करोड़ भी तुसी भी हो ना, तुसी तैयार हो ना लियो। असी ते जाहिर है जरा कम अच्छे हस्ते हो उस ना लियो सा ना होना सा कुछ को पता है कि इस बीच कितना अच्छा है। खैर वो भी गालो ही आ जुल दी कि जितना तफसील है जुल सा बड़ा इस गला दा मकसद सिर्फ यह सा मैं जो किसी कटहरे बीच ने खिलाना चाहता सा बड़ा आखरा दा मकसद यह सा। ये बिल्कुल उस तरह नहीं, ठीक है जी, सूबे बनने चाहिए उन्होंने ना नहीं जड़ियाँ बारीकियाँ हो सन वह एहले इलम और जिन्हें जो नज़र रखते हैं उन्होंने उस ते नज़र भी हो सी इस सारी गल होता है। असा को मैं अपनी जाती गल अगर करा तो शायद मेरे को उतना इलम ना हो कि जी नवे सूबे बनने नाल किहड़े किहड़े फायदे होंदे ने, किहड़े किहड़े नुकसानात होंदे ने, जरूरी है नहीं जरूरी। ऑलरेडी कि चीन इतना बड़ा मुल्क है कि असं और निके निके सूबे बढ़ा के ना कितना एक बड़ा मुल्क है, सूबे कितने होने चाहिए कितने नहीं। खैर यह है कि एक डिबेट और उन्होंने लोगों की भी हो सी कि जी यकीन उन्होंने दी कि जिन्हें इन हालात होता है और इन गलों होते नज़र भी है और वो इस हवाले नाल बाइल्म लोग हैं जी। लेकिन मेरा जो पॉइंट आसा जिस टाइम गल की थी वो ये आसा कि असा को नहीं पता होता असा घरों वोटो भी निकल आंदा है, हर घर से निकलता है ना वो, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह खबर लग गई है कि जी एक करोड़ हजारे वाल उस बीच भी हालांकि मेरे को पता ना सा इन्हों का कन्वेंशन होया या जो भी इन्हों इकट्ठे हुए हैं इकट्ठ होया इन्हों का तो उस बीच उन्होंने सुना असा भी जिक्र किया कि तुम तो मैं भी असं तैयार हाँ तो मतलब ता मैं आता कि तैयार हो जो लो असा को पता तो ना सा ना मैं भी होनी खबर पड़ी है ना तो बस हूँ फौरन तैयार हो जुलो कार जुलो ठीक है। लेकिन ये खैर ये ना हो कोई इस बिच असा अजा भरा जिस तरह कोई दिल सड़े दो इस सब गल होता है खफा हो जुला कि यार ये हंसते हैं बड़े सूबे की गल होता है तो सूबे की गल होता है ना हंसते असी। लेकिन असी सिर्फ इस गलत है थोड़ा जहा हुआ कि यार जिस तरह दिल करता है वो आवाम को अपन नाल रिला के अंदर। बिल्कुल जी, खैर एक कॉलर असल मौजूद है कॉल चेक करने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हरकत दे आओ, कौन बोल रहे हो? मैं फाइजा बात कर रही हूँ। अच्छा जी फाइजा, हरकत दे आओ, क्या आना चाहते हो? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा जी रावलपिंडी, तो तुसा कॉल की है, प्रोग्राम देखते हो, क्या आना चाहते हो? आज का जरा प्रोग्राम है कश्मीर के हवाले नाले। हेलो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं आपसे बात करूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये दसो के कर दे हो, हाउस वाइफ हो, पढ़ते लिखते हो या कोई जॉब शॉप? उन्हें कोई यकीन नहीं आ रहा, उन्हें को आप को चुंडी मारो, आओ आओ ने आओ आओ जल्दे रह सन। सैफ-उर-रहमान साहब दा आखना कि अगर तुसे यकीन नहीं आना तो तुसे अपने चुंडी पा रखते हो। जब तक जी आप को चुंडी पर देन और असी एक निका जी दमा करने हैं, दमे तो बाद फिर इंशाल्लाह जी इथो ही सिलसिला जारी रख सन। नाजरीन वेलकम बैक, एक बार फिर हरकत दें हो जी, असी के2 टाइम्स अखबार दियाँ कुछ खबरें शामिल करने हैं। कॉलर भी असा नाल मौजूद है थोड़े जी शर्मा के, लेकिन मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहता कि उन्होंने कॉल की है और पसंदीदगी का इजहार किया। तो खैर जी अगे बढ़ने और मजीद खबर जड़िया हैं शामिल करने। मुल्क में लावारिस निज़ाम चल रहा है, ये आखना जी सिराजुल हक का वो आखते हैं कि अमरीका अब वापस जा रहा है, नुकसान का मुआवजा कौन अदा करेगा? अमीर जमात इस्लामी की पख्तून कौमी जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। देखो ना जी, के2 टाइम्स की खबर बड़ी सोहनी खबर आसी, इस बीच सिराजुल हक साहब को आज पता लग गया। की पता लग गया? एक मेज़बान आए ना रोटी खा दी है। पहली खबर जी पढ़ी है कि लाइन पढ़ो ना। हाँ जी, मुल्क में लावारिस निज़ाम चल रहा है। चल रहा है ना, आज पता लग गया कि
لاوارث نظام چل رہا ہے اساں کو تے اس دا مطلب پہلے دا پتہ اسا نالو اے وی آسن کہ امریکہ واپس جا رہا ہے تے نقصانات دا معاوضہ جڑا ہے او کون ادا کرسی اے تے بالکل ایں لگدے جی آتن کہ جی مطلب تسی آئے ہو اساں دے کار پانڈے شانڈے پن کے دیواراں خراب کر چھڑیاں چونا خراب کر چھوڑیا ہن ایں مڑ کے جل دیو پیسے تے دیو نا ہیں مطلب آ کے اساں دا سارا اتنا نقصان کیتے تے ہن ان چا اے تے جی گلاں ہویاں کہ نہ بھیجن والیاں گلاں ہویاں کہ مجھے سارا کام ہے فی الحال اتھے ہی رہو مطلب نال نال جڑا ہے پیسے ایسے دین دے رہو حساب کتاب کر دے رہو تو خیر جی خیر جتھے امن دی گل ہوندی ہے جد امن آ جندے تے میرے خیال وچ انمول طرح دی چیز ہے کہ مطلب لوگ ترستے ہیں امن واسطے اسی کشمیر دی گل کرنے ہاں کشمیر دا پروگرام ہے تے کشمیر دے اندر اگر امن نہیں تو میرے خیال میں اتنے کے لوگوں پوچھو کہ اس کی ویلیو ہے اس کی قیمت ہے تو اگر اسی یہ امن معاہدہ جڑا ہوا شاید اس حوالے نالوں نہ گل بات جڑی کیتی ہے کیتی ہے تو میرے خیال میں جڑا امن پیا ہوندا ہے جڑا نقصان ہو گیا چلو ایک وقت گزر گیا لیکن آئندہ وقت واسطے اگر اچھا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں لیکن پھر بھی جو بھی ہے جو بھی ہے بس جلدی ہوتا سا وہ نہیں پتا سا پانڈے جڑے پنے نے پیسے دے کے جلو ٹھیک ہے خیر جی پیسے دے سن ہی دے سن تے اگے بدنے اور جس طرح پی ایس ایل سیزن 5 پی ایس ایل دے والے نال جی ایک خبر جڑی تسی دستیا سو سندھ حکومت سن کوئی سفارش پیش کیتی ہے بالکل جی انہاں سفارش کیتی ہے تجویز پیش کیتی ہے کہ جی پی ایس ایل دے جڑے میچز ہو رہے ہیں او فی الحال انہاں روک چھوڑیا جڑے لیکن او کے آتے ہیں جی جی وہ آتے ہیں کہ کرونا وائرس محکمہ صحت سندھ کی پی ایس ایل پر پابندی کی تجویز صوبائی حکومت نے مسترد کر دی مطلب انہیں تجویز پیش کی تھی اور اگر صوبائی حکومت سن جڑا ہے مسترد کر چھوڑی ہے کہ میچز ہو سن کیونکہ مطلب سندھ حکومت کو شاید یہ پریشانی ہو سی کہہ رہے جی وائرس نہ پھیل جو رہے مطلب چھکے چوکے ہوتا ہے نچھا مار دے آستے کھیڑ دیں اے وائرس جڑا ہے پھیل نہ جلے تے سندھ وچ آلریڈی اتنا کم کھلتے دے اتنے مسئلے مسائل ہیں اتنیاں گلیں ہیں تے میرے خیال اگر سندھ دی حکومت جڑی ہے اس ہوتا ہے توجہ دے وے انہاں مسائل ہوتا ہے تے بجائے اس تے پی ایس ایل دے رنگ وچ پانگ پانا دی بجائے بالکل اتھے مجھ کو جائے کرنا آستے جی بالکل ایک کالر اصلا موجود ہیں کال چاکرنا اسلام علیکم وعلیکم السلام میڈم کیا حال ہے خیریت جی ہر کدی آو جی پروگرام وچ کون بول رہے ہو گڈ مارننگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی بہت شکریہ ہاں تو آپ نے جو ہے نا اچھی اچھی باتیں کی ہیں جی ذرا ہم اپنی طرف بھی تو دیکھیں کہ پہلے چند سال پہلے کتنے ہمارے بچے جو ہے نا شہید ہو رہے تھے اسکولوں میں کتنی بےزردی سے ہو رہے تھے جی جی تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اچھے انسان کا قدر نہیں کرتے ہیں میرے کہنے کا مقصد ہے راحیل شریف ایک مسیحا ہو کر آیا اگر یہ حالت کسی آؤٹ آف کنٹری میں ہوتی تو پھر جو ہے نا انگریز ہزاروں کی طرح اس کی ریٹائرمنٹ پہ کھڑے ہو جاتے تو ہم اپنا بھی تو قصور ہے نا کہ اس نے آ کے جو ہے نا ہمارے بچوں کو بچایا اور جو بے گناہ شہید ہوتے تھے بازاروں میں اس میں تو ان کے لیے کوئی ایک ماں بھی ایک باپ بھی بچہ کھڑا ہوا فیس مہنگی ہوتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر کہا کہ راحیل شریف آپ کی بڑی تھینکس آپ کے ٹینور میں ہمارے بچے اسکولوں میں محفوظ تھے مجھے ایک بندہ دکھاؤ جو کسی پریس کلب کے آگے یا کسی میڈیا کے آگے معصوم بچے لے کر اس کا تھینکس کرتا تو اس کا دل خوش ہو جاتا جی جی ایسے ہی آپ ابھی بات کرتے ہو کہ جو ہے نا نواز شریف والے دونوں بھائی باہر چلے گئے بزنس مین ہیں یہ ہیں ملک کا لیڈر نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کرتا کسی پڑوس کا لیڈر نہیں ہوتا میڈم پڑوس ترقی نہیں کرتا ادھر جو ملک سے محبت رکھے گا وہ شہید ہوگا سچویشن ایسی چل رہی ہے اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے لیڈر کو جانا نہیں چاہیے لیکن جو ہے نا لیڈرشپ اگر ختم ہو جائے گی تو ہمیں 100 سال خال پیدا ہو جائے گا تو لہٰذا ہم اپنی طرف بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے لیڈر کا کتنا قدر کرنا چاہیے آپ کے سامنے ہیں آپ میڈیا پہ بیٹھے ہو کہ لیڈر کا کتنا قدر ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کیا قدر ہوا جی کوئی کیس چلا کوئی ہوا اس کا عزالہ کے کیا کرنا چاہیے
जी बिल्कुल जी, जितनी भी गलबात की है वाकई अपने कन जड़े हैं नो खोलने चाहिए नखियां खोल के जड़ा है खोल के कन सुनदा सा जरा आवाज दूर जी आंदी है। हां जी बड़े थोड़ी सी रोशनी पाओ ना ये मुद्दा के बयान हुए मतलब उन्हें ये है कि असी जड़ा सारे की दुए ब्लेम करने पे लगे दे होने हैं ते वो मतलब वो नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपना आप जरा एक किरदार जिस तरह मैं पहले भी गल की है कि असि खुद के कर रहे हैं सही सुते भी वो करना चाहिए जी लीडरशिप वो जिस तरह असा खबर पड़ी है कि असि नवाज शरीफ पिछे या उन्होंने पिछे लगे दे होने या महंगाई पिछे लगे दे होने जिस तरह उन्होंने बच्चों के शहादत के हवाले कोई गल की स्कूलों के बच्चे कुछ इस तरह की गल ही तो खैर उन्होंने कोई नहीं खलता या उन्होंने आवाज़ कोई नहीं चाहता तो असी गल ना आते जी असि पाक फौज जी है जिस जितनी कुर्बानियां दी जितने लोगों सुन कुर्बानियां दी सारे सुन इसी पाकिस्तान कुर्बानी दी है तो खैर आखिर आखिर में थोड़ी समझ आई है शायद ज्यादा आवाज़ थोड़ी काटा सी समझ नहीं आई तो जी आखिर आखिर में कि एक तो मेरे ख्याल उन्होंने कुछ जी बेनजीर अपनी हुकूमत भी रही है चाहते तो उस कुछ करके ना बाकी रह गया लीडरशिप की उन्हें गल की जी लीडर मेरे ख्याल है वक्त ऐसा आ गया कि और लीडरशिप भी तैयार होनी चाहिए नवे लोगों को मौका मिलना चाहिए अगर ये एक दुका जो लीडर हैं बस ये मुगे तो फिर उस तो बाद के पाकिस्तान का चैप्टर के क्लोज कर छोड़ सा ठप कर छोड़ सा बस फिर और लीडर नहीं पैदा होना लगे ना जी ये करोड़ों की आबादी में बड़े टैलेंटेड बड़े काबिल लोग मौजूद हैं और बहुत से ऐसे काबिल लोग हैं कि जड़े सामने ही नहीं आते ठीक है तो असी इंशाल्लाह ऐसा माहौल बनाए इस मुल्क का ऐसे हालात अल्लाह पाक कर सन इंशाल्लाह पैदा हो सन कि जी जड़े लीडर्स वो लीडर्स के जड़े सामने नहीं आए जो छुपे दिन जिन्होंने को तलाश करने और जिन्हों को मौके मिलने चाहिए कि वो आके अपनी लीडरशिप से जौहर दसन और इस मुल्क को तरक्की दी राह गामजन रखना बिच अपना किरदार अदा करन ते हैं जी बड़े लोग हैं ऐसे असा को सिर्फ चार ना ही नहीं कि जिन्हें सुन ठेका ठेके तो पाकिस्तान कह दे दो मैं कोई दिलाजारी वाली गल ना कर रहा लेकिन इस हवाले गल कर रहे हैं कि कोई जरूरी भी नहीं कि जी चार लोग हैं तो ही चार हो सन और फिर जो लीडर्स होंगे या जो तो वह मेरे ख्याल है कोई जहाँ मुखमैनी के इनकलाब भी मुखमैनी साहब मुल्क तो बहर आ से तो थोड़ा बह क्यों ना सुन अपनी कौम को तैयार किया उस और इनकलाब आया सा और वह भी आया से तो आखने जो लीडर जिथे भी होगा वो लीडर ही होंगे तो असं ये ना कि कोई लीडर है या किड़ा नहीं लेकिन मजीद लीडर को भी पैदा करना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए। खैर जी ये खबर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तबसरा असी करने हैं लेकिन अज का जो प्रोग्राम है जी कश्मीर के हवाले नाल होंदा है और कश्मीर दे जिस तरह मैं पहले भी आया है कि खूबसूरत जो रंग असी इस प्रोग्राम में शामिल कर सा एक पैकेज की सूरत में तो आओ देखते हैं खूबसूरत जो पैकेज वेलकम बैक नाजरीन और तुसी देखते हो खूबसूरत जहाँ पैकेज और पैकेज जरा जी शाला के हवाले नाल है जिस तरह सकाफत की एक झलक तुसंदे ही कश्मीर की बड़ी खूबसूरत जी सकाफत है और कश्मीरी शाला बड़िया मशहूर हैं जी और लोग जड़े हैं तो फतन जड़े लोग कश्मीर जुलते हैं वो बाकायदे उत्थे खरीदते भी हैं और तो फतन देंदे भी हैं ते बिल्कुल अगे बढ़ सा और जिस तरह कश्मीर का पैकेज देखा इसी तरह कश्मीर नाल ताल्लुक रखने वाले जड़े मेहमान होंगे असं इस प्रोग्राम में शामिल करने हैं तो अज भी अस एक बहुत जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिन्हों का ताल्लुक जड़ा है कश्मीर नाल है तो मैं उन्होंने हवाले नाल थोड़ा जहा दसती जुला सेंट्रल डिप्टी जनरल सैकटरी हूँ जी विमेन विंग ए जे के और पी टी आई जी पार्टी है जी उस नाल उन्होंने ताल्लुक है तो ना ही उन्होंने जी खोला खान तो जल्दी नाल उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करने हर कद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी क्या हाल है जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप कैसे हैं जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र तो ये दसो कि बेसिकली कश्मीर नाल ताल्लुक है तुसा दा जी जी मैं कश्मीर से हूँ तो कश्मीर के किड़े इलाके नाल कश्मीर जी मैं सदनूती से हूँ मंग से ताल्लुक है मेरा अच्छा मंग की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी कि हमारा एक मंग की हिस्ट्री तो हमें बहुत पता है बिल्कुल जी मंग हम तकरीबन 72 साल हो गए हैं मांग रहे हैं अच्छा कितने हो गए अभी ये वाली मांगा संधि हिस्ट्री पता है मांगना वाली लेकिन यही है हल्का फुल्के उस बेचासी मंग इलाके दे वाला थोड़ा जहा दस भी छोड़ो कि जी हाँ कुछ बड़े जहाजे जी सदनूती का इलाका है मंग और जहाँ हमारे ये भी मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कहने में कि जहाँ से तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी 1832 में
सरदार मलिक खान और सब्ज अली खान ने वहाँ बगावत की थी डोगरा साम्राज्य के खिलाफ और उनकी जिंदा खालें खिंचवाई गई थी वहाँ से। और प्लस मुझे यह कहते हुए भी बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं मंग के एक ऐसे सपूत की बेटी हूँ, कर्नल खान मोहम्मद खान खान ऑफ मंग, जिन्होंने मीरपुर फतह किया था। अच्छा। तो इस हवाले से हमारे मंग के साथ बहुत सारी तहरीक आज़ादी के बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, कर्नल अफसर शेर खान और दूसरे तमाम मुजाहिदीन और शहदा, और ऐसी धरती से मेरा ताल्लुक है जहाँ से तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी। सही, बिल्कुल। फिर तो ये सवाल मेरे जहन में जुलता है कि सियासतदर किस तरह आए, लेकिन हूँ जरा बैकग्राउंड पता चले तो जहरी जी गल इना माहौल जरा मिले तो उस हवाले इना सियासत बेची जुलना है। तो खैर मतलब ये अपनी एक ओ करे दा माहौल आए जा कि तुसा इस पासे सोचे कि मैं सियासत बेच। जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश ऐसे घर में हुई, एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, शुरू से ग्रूमिंग ऐसे हुई कि लड़ना है आज़ादी के लिए, एक जज्बा था। प्लस ये कि मेरी वालदा भी सियासी थी, 80s में मेरी वालदा, मेरा ख्याल है वाहिद वहाँ पे, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया है तो वहाँ ख़वातीन आज भी इतनी ज़्यादा फ्रंट फुट पे जाके तो आगे नहीं आ सकती हैं सियासत में, उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था। मगर मेरी वालदा जो थी वो पहली वहाँ पे सदनूती की प्रेसिडेंट थी PPP गवर्नमेंट के साथ, बेगम नुसरत भुट्टो के साथ उनका बड़ा ख़ास ताल्लुक था, तो वो पहली वहाँ पे वमन विंग की प्रेसिडेंट थी। तो मैंने शुरू से ही ग्रूमिंग जो मेरी हुई वो एक सियासी माहौल में हुई, ऐसे घर में जहाँ मैं अपनी वालदा को जब देखती थी कि वो कैसे तैयार होती हैं, स्पीच कैसे तैयार करती हैं, तो शुरू से ही सियासत की तरफ रुझान था। अच्छा, तो ये जी जबान मादरी जबान है जी, ओके मादरी जबान जी, उर्दू ही वैसे तो पहाड़ी भी बोलते हैं वहाँ पे, मैं पहाड़ी भी बोल सकती हूँ। तो वो आप से अगर वो बोल सो तो बड़ा अच्छा लग सी, बल्कि कश्मीर दे इस वे प्रोग्राम जड़े लोग देखते हो सुन तो वो चाहते हो सुन कि तुसी पहाड़ी जबान जी। बिल्कुल, मैं पहाड़ी भी बोल सकनी हूँ। ते बोल सो ना, ते बोल ना, असि समझे शायद तुसा नहीं आंदा उर्दू स्पीकर हो, ए तुसी बोल सो ते पता लग। अच्छा, साड़ी पहाड़ी थोड़ी जी पटवारी टाइप है ना, पटवारी हो गई है, पटवारी और फिर सुधनी जबान, स्पेशली मैं सुधनी कबीले नाल ताल्लुक रखनी हूँ। अच्छा, सुधनी जबान थोड़ी जी मुख्तलिफ, तुस जड़ी बोलने उन्होंने को थोड़ी मुख्तलिफ जबान है, लेकिन मैं ये भी तुसा हाली भी कोशिश कर सा कि मैं बोली सकूं। बड़ी अच्छी बोल रहे हो पे और बड़ी अच्छी बोल रहे हो, समझ भी आ रही है। तुसी अपनी जबान भी पा बोलो, लेकिन उसकी अपनी मिठास है और उसका अपना एक उसते बोलना दा उन लफ्जों दी अपनी उस विच एक चाशनी है। जी बिल्कुल, थैंक यू। ते बाकी अच्छा एक गल दसो, जी उस गल की थी कि वालदा तुसानी पीपल्स पार्टी आस्ते आसे और तुसी निके होना को देखते होंगे आसे कि वो काला सबज और लाल ही आगे ना जी, मतलब थोड़ा कंट्रास्ट तो साखी शोन आखी सकने हो के वालिद जड़े सन फ्रीडम फाइटर उन्होंने ग्रूमिंग उन्हें इस तरह की थी कि लड़ना अपनी आज़ादी आस्तै बोलना, वालदा जड़ी सी सियासत आले पासे सन, तो इस तरह दो फैक्टर जड़े आए कि सियासत भी और अपनी तहरीक अपनी आज़ादी आस्तै लड़ना भी है बोलना भी। लेकिन वालदा तो देखो सबज काला ते लाल चढ़ा सा मतलब, ठीक है जी बिल्कुल। तो समझ में चो मेरे ख्याल है काला रंग काट छोड़े ते रता ते सबज रह गया जी, ते तुसी पीपल्स पार्टी तरफ तो संदर किया नहीं मतलब ओई मैं अगेन फिर तुसों की आख सा कि एक शुरू थू एक जमहूरी माहौल सा ना कारे च के वालिद जड़े सन ओ फ्रीडम फाइटर सन, वो लड़ने वाले एक जंगजू बंदा जड़ा कमांडो ट्रेनिंग किन्नी दया ना उधर जड़े किंग कमीशन ऑफिसर सन मारे वाले, तो वालदा सियासत तो जमहूरी माहौल शुरू थू सी। फिर मैं शुरू चु जदू अपनी तालीम ने जमाने तो मैं नैशनलिस्ट पार्टी ने सा NSF करनी रही हूँ, फिर उस तो बाद जदू खान साहब इधर PTI ने पास रुझान उदू होया कि खान साहब की शख्सियत तो मुतासर हुए थे कि एक जदू ना वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान की बनाया, वो भी एक जमाना सा कि जदू सब दुनिया खान साहब नी शदाई सी, तो मैं भी उस दौरान ही फिर खान साहब को इतनी इंप्रेस हुई। प्लस ये कि खान साहब ने एक जड़ा अंदाज जड़ा बिल्कुल एक साफ गो और सच्ची गल करने वाला और दबंग किस्म ना बंदा, तो मैं कि अपने वालिद नहीं उसी झलक नजर अच्छी सी खान साहब नी शख्सियत, तो फिर शुरू थू इंप्रेस, तो फिर PTI जो फिर बाकायदा स्टार्ट में PTI ना धरने तू किंदा
कि धरने च एक्टिवली सियासत शुरू की थी। वो भी एक फेज था कि जब सारी दुनिया उधर पूरा पाकिस्तान जड़ा वो पीटीआई नी तरफ मरगूब होया रागिब होया तो उसी मैं भी फिर एक्टिव हुई। क्या बात है जी, जब सा धरने से सियासत का आगाज की था, बहुत सारे लोगों की अजदवाजी जिंदगी का आगाज धरने से हुआ है। मतलब उस बीच काफी सारे बाल बच्चे भी हैं, काम भी हुए काफी सारे। जी बिल्कुल। अच्छा जी कॉल है ना। हाय जी, कॉलर असनाल मौजूद है, कॉल चेक करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बेटी नौशीन और मेरे बरखुरदार सैफ साहब और खास तौर पे मेरी जिसे गेस्ट आई ने बची, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक मुजाहिद की बेटी ने अल्लाह इन्हें जिंदगी अता फरमाए, इन्हें कोशिश रंग लावन परचमे पाकिस्तान परचमे कश्मीर मिला और तमाम कारकुनान कैटू और सरकामदान और उन्होंने रफका कार बहुत ज्यादा आदाब सलाम। वालेकुम असलम जी। वालेकुम असलम, हर कदे हो हाजी साहब, क्या हाल है, तुसनदार ठीक ठाक हो जी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दे बड़े आसान हाथ, बड़ा शुक्र मेरे अल्लाह दा जी। आज कश्मीर दे हवाले नाल प्रोग्राम हो रहे हैं ते कुछ आखना चाहसो जी? मैं सिर्फ यही अर्ज करांगा कि मोदी होश च आ जा, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान बनेगा। सही जी, तो जितना भी मर्जी जोर लगा ले, पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम एक दिल दो जान ने, इन्हों के दिल एक बराबर चट रखते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर मैं मेहमान बेटी फिर दोबारा सलाम करांगा, एक मुजाहिदी बेटी ने अल्लाह इन्हें सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल हुए हो और दुआवां भी दीतियां और गलबात भी की थी। और मोदी जाग जो हां होश में आओ, सच हो सा है, लेकिन एक रात लेट सोता है सना ते जाग सी च रोशा भी नहीं। खैर है, उठ गया कोई पैगाम चाहदे सा असगर साहब, तुसा देर ना उठते हो दिन ते मेरे ख्याल है पैकेज है। बिल्कुल जी, पैकेज पैकेज है, नगमा है। हां जी, गाना है जी, और गोजरी 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 जबान में जनाब नगमा है जड़ा असन आस्ते जनाब रिकॉर्ड कीता असन प्रोड्यूसर यासिर स्वाति साहब इन प्रोडक्शन स्वाति ते नहीं ना यासिर जमान साहब, यासिर जमान साहब जी, यासिर जमान साहब सुन बड़ा खूबसूरत जा गोजरी जबान में एक नगमा रिकॉर्ड कीता असन इन हाउस प्रोडक्शन है स्टूडियो में ताओ एक सोना जा गोजरी में इन नगमा सुनने। या तो अपनो यार बनाया बन जा गुजरा को, ऐ सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को, सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को। या तो अपनो यार बनाया बन जा गुजरा को, सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को, सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को। मुल्ले कोई भी निशो का, मुल्ले कोई भी निशो का, दिल बादशाहों में इन्ना गुजरा वेलो का, दिल बादशाहों में गुजरा वे लोगा। या तो अपनो यार बनाया बन जा गुजरा को, सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को, सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को। हर गल देना रोक चना, हर गल देना रोक चना, है बड़ा वफादार होवे
मेरा गुजर वे लोक जना बड़ा वफादार होवे मेरा गुजर वे लोक जना यादो अपनो यार बनाया बन जा गुजरा को सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को चले आखरी उजड़ चना चले आखरी उजड़ चना हाय मरतिया मर जाए संग सटे तानी गुजर चना मरते हाँ मर जाए संग सटे तानी गुजर चना यादो अपनो यार बनाया बन जा गुजरा को सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को सो फीसद माई पक्को होवे प्यार गुजरा को जी नाजरीन खूबसूरत ज गोजरी जबान में संगीत सुने और यकीनन सब पसंद आया उसी तो असी अपने मेहमानों को भी पूछता है जाहिर है कश्मीर नाल ताल्लुक है और कैसा लगे बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा सा ये भी कश्मीर का रंग है जी बिल्कुल गोजरी भी बोली गोजरी जबान एक बिल्कुल कश्मीरनी जबान जो एक ऐसी खास जबान है बड़ी मिठास जिस जबान च और खसूसन मौसीकी च तो बहुत रिच कल्चर है इसना गोजरी बिल्कुल जी।, जी और जिस तरह तुसने है नवा टैलेंट जी मुतारिफ होया और इसी तरह तुसी भी शामिल हो सकते हो मैं नंबर दस छोड़ा क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए भी तुसी शामिल हो सकते हो कॉल करके भी तुसी गोजरी इस जबान में गलबात कर रखते हो तो कॉल करने वास्ते नंबर है जी 0514102249 और व्हाट्सएप नंबर है 03113434555 तो बिल्कुल जी जरूर तुसी शामिल रहो तो सर समझ आई पोइट्री दी यरे जी एक गल दसा कि इतफाक करसन खोला साहिबा कि म्यूजिक ऐसी चीज है कि इसकी कोई जुबान नहीं बिल्कुल जी ठीक है ना मैं कोई बाउंड्री नहीं है कोई इसकी कोई बाउंड्री नहीं है इसकी कोई शो नहीं है म्यूजिक थी तो जाहिर किसी भी उस पे चोवे जरा म्यूजिक बज रहे हो ना वो सा हर कोई एंजॉय कर दे लेकिन मैं पोइट्री जड़े अल्फाज है गोजरी दे क्योंकि तुसी भी सीखते हो ना ना लेकिन हम ना किथरे किथरे समझ आवे ते ज्यादी ज्यादा समझ ना आवे अच्छा हम ना शौक बोंस बहुत मुछो मतलब बहुत लाट गोजरी बोलन गोजरी ना बहुत शौक तो सा हम ना कॉल करने नहीं होते हम ना इसी तरह फीकी फीकी गोजरी बोलसा तुम ना समाता की तकलीफ पहुंचासा खैर मैं थे भी पूछना जिस तरह के2 चैनल सुन काफी कम भी कीता कश्मीर दे अंदर और जितनी भी खूबसूरतियां हैं वो पहुंचियां दुनिया तक जबाना पहुंचियां तो थोड़ा जा इससे नजर पाओ के के2 चैनल का के किरदार देख तुसी कश्मीर दे अंदर जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा किरदार है मगर मैं तुसों की सजेस्ट करसा के जिस तरह इथे मेहमाना की बुलाने हो माशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाने हो तो मैं समझनी हाँ कि के2 चैनल की उत्थे बार्डर पर भी जाए तो अपनी जड़ी ना वो अपनी लाइव जड़ी ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए कि जड़ी अग्रेशन उत्थे हिंदुस्तान अपने कश्मीरी लोगों नाल बॉर्डर ने LOC पर रहने वाले लोगों नाल करना तो मैं समझनी हाँ कि इस वेले जरूरत है कि जितने भी कश्मीरी चैनल्स हैं जितने भी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया या मीडिया TV चैनल्स इन्हें सारे की फोकस करना चाहिए कि जी जी हिंदुस्तान ट्रस्ट है उत्थे करना पै वो सारी दुनिया की दसन ये भी मैं सजेस्ट कर सकता ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਹਰਕਤ ਦਿਓ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਨਾ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਰਬੋਦਾ
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਗੁੱਦ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪੰਧਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖਰਗੋਦ ਜ਼ਰਾ ਲਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਅਵਾਨ ਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਗੋਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਖੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇ2 ਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੇ2 ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟਸ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਨਸ ਉਥੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਥੇ ਹਨ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇ2 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਸਾਤ ਆਪਣੀ ਹیثیت ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸੀ ਬੜ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ2 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਜੀ ਸਿਆਹਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਕਨ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਪਟਰ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਓਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਈ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਵਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਹੋਵਨ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰ ਕੀ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਬੜਾਓ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੀ ਫਰੋਗ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਿਨਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿਰਫ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਰਹਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜੁਲਨੇ ਆਓ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇ2 ਸਹਿਰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਧੜਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ناظرین پروگرام ڈسٹرکٹ ڈائری کے ساتھ میں
प्रोग्राम कश्मीर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान नसीर अहमद। हम इंटरव्यू कर रहे हैं। के2 को मुबारकबाद दूंगा और उनके इस इकदाम की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपना दफ्तर कायम किया है और उसके साथ एक नाता जोड़ा है। इसके लिए पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग भी आपके शुक्रगुजार हैं। आज़ाद कश्मीर मीरपुर आ चुके हैं एंड जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको प्रॉमिस किया था कि हम फर्दर नॉर्थ ट्रैवल करेंगे। खूबसूरत शहर में हम आ चुके हैं, लावला कोट कश्मीर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ में हम आ चुके हैं। आज हम एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी डेडिकेटिंग दिस एपिसोड टू द पीपल ऑफ कश्मीर। ट्रांसमिशन चल रही है AJK इलेक्शंस के हवाले से। कश्मीरियों को आज़ाद जम्मू कश्मीर का आज 69वां योम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। आज का एक खुसूसी प्रोग्राम आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत आज़ाद कश्मीर का 70वां योम तासीस। यहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और दीगर जितनी भी तकरीर होंगी वो भी हम आपको बयाज दिखाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद शेला कैंपस से मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी से प्रायरा एक्साइटमेंट है, एनर्जी के लेवल बहुत ज्यादा है। अभी मुझे बहुत प्लेजेंटली एक सरप्राइज मिला।
जी नाजरीन देही कश्मीर दी कहानी केटू दी जबानी और बिल्कुल जी इस पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स तुसां देखे कुछ लाइव प्रोग्राम्स से कुछ रिकॉर्ड किए गए और जिस तरह तुसां भी गल की कि जी बॉर्डर ते जुल के और उत्थे दे हालात जड़े हैं वो केटू चैनल कवर करने चाहिए योम यकजहती कश्मीर होवे या योम तासीस होवे कोई भी स्पेशल इवेंट है या कोई भी उत्थे दे लोगों के हवाले नाल होवे एजुकेशन के हवाले नाल होवे इनफॉर्मेशन होवे ईवन के हर पहलू उत्ते जड़ा है केटू की नज़र रही और उन्हें प्रोग्राम्स जड़े हैं वो तुसा तक पहुंचाए तो पूरी एक जी कहानी है जी कश्मीर की तुसा तक पहुंची है तो कैसा लगा बहुत अच्छा लगे जी बहुत हसीन मनाजर और जड़े प्रोग्राम्स भी उन्हें जड़े कैप्चर किए माशाल्लाह बहुत उतू तुसा की पता लगा उसी कि कितना रिच कल्चर है कश्मीर ना माशाल्लाह और मैं चाहनी हूँ कि इस तरह केटू वैसे भी ऑलरेडी भी बहुत काम किया मेरे ख्याल सारे चैनल्स तो ज़्यादा केटू जड़ा है उसने कश्मीर की कैप्चर करना है तो अगे भी मैं उम्मीद करनी हूँ कि इस तरह इंशाल्लाह जो है वो कश्मीरियों की हाईलाइट कश्मीर नी जड़ी खसूसन जड़ी कश्मीर एलओसी पर जड़ी जड़ी अग्रेशन हिंदुस्तान करना पाया तो उसकी भी हाईलाइट करने च मेरा ख्याल है केटू अपना जरूर बिल्कुल सी किरदार अदा करता रहे करंट अफेयर्स दे प्रोग्राम है और इस पे तो झलक दे ही अहवाले कश्मीर दी ते उस पे सारी जितनी भी सूरत हाल यही एलओसी दे हवाले नाल भी वो सारी प्रॉपर जड़ा है आवाम तक पहुंचती रही है दुनिया तक पहुंचती रही है ते खैर जी गपशप इसी तरह जारी रख सा नालो नाल तुसा ने मैसेजेस जड़े हैं वो भी ऐसा मौसूल हो रहे ते के ख्याल है कुछ मैसेजेस असी शामिल कर के जी कौसर फ्रॉम बुनेर इना सुन नवा गई ग्रां है उतने ना सोना सबको मैसेज किया आते हैं जी गुड मॉर्निंग आते हैं जी आपका शो बहुत अच्छा है और नशीन आप बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत शुक्रिया और घर में हूँ और घर का सारा काम करती हूँ क्योंकि जी जॉब भी की इजाज़त नहीं है और आपका प्रोग्राम देख के हमने ये महसूस करते हैं कि मुझे बहुत चेंजेस आए हैं बेसिकली पश्तो स्पीकर हैं पश्तो बोल दें लेकिन असंदा इनको दा प्रोग्राम देखते हैं तो ता थोड़ी जी नदी ते वातन की जीत सुना प्रोग्राम देख के बड़ी बोलचाल बिच भी और मेरे इस बिच गला बिच बड़ी चेंजेस आए हैं ते कश्मीर देवाना लाते हैं इनकी जी और मेरी दुआ है कि कश्मीर जल्द आजाद हो जाए आमीन आमीन और कौसर बहुत अच्छा लगे तुसा प्रोग्राम की तारीफ भी की और जी गल तुसा की कि जी मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस जुड़िया हैं एंड पॉजिटिव चेंजेस जुड़िया हैं वो आई हैं तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहो बहुत शुक्रिया तुसा प्रोग्राम पसंद करते हो शामिल रहते हो एक और मैसेज भी शामिल करना चाहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम यू बोथ गाइस एंड आई एम सो हैप्पी टू सी इनको प्रोग्राम गपशप एंड इनको कल्चर एंड स्टे ब्लेस्ड ताहिर फ्रॉम जी डेनमार्क डेनमार्क स्कैंडिनेवियन ये जरा बड़ा तलफ़ुज़ जड़ा है फिर आते हैं जी प्लीज सेंड वन मैसेज टू ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड नॉट थ्रो गार्बेज एवरीवेयर एंड ग्रो मोर ट्रीज एंड गेट बेस्ट एनवायरमेंट बड़ी सोहनी गल की जी डेनमार्क से असन दे भाई ताहिर सुन और ये अली गल है जी अगे असी केटू टाइम सी जी खबर पढ़ रहे से हजारे की गल करते तो असंदे जितने पॉलिटिशियंस हैं माशाल्लाह बड़े असंदे हजारे दे असंदे रहनुमा हैं बड़े अच्छे अच्छे जनाब सारी पार्टियां दे उन्होंने कोई आसन के जी हजारे होते तो वो जो सियासत सी हट के भी हजारे होते तो जो देवन और उसके बारे भी सोचन के जी अगर असी नारान की गल करा तो माजरत के नाल गर्मियों के दौरान ये असंदा नारान भी बिल्कुल है गंदगी का ढेर बन जुलता है तो फिर एबटाबाद अगर असं देखते हैं मौजूदा सूरत हाल तो हर तरफ जड़ा है गारबेज ही गारबेज है जी कुदरत खूबसूरती दी है वही रही दी है तो अगर असं पॉलिटिशियंस और आम आवाम भी जी आम आवाम का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने शहर को अपने इलाके को साफ सुथरा रखे बड़ा अच्छा मैसेज इन्हें दिता फिर इस तो अलावा एक मैसेज और शामिल करके दें जी ए एन जी अस्सलामुअलैकुम सैफुर्रहमान भाई नौशीन सिस्टर हबीबुल्ला फैसल मियाँ वाली तो इन्हें साकू तस्वीर सदी है ते इन्हों का पुत्र दुकान कुर्सी ते बैठा है ते इहदा नाम है शहरयार हबीबुल्ला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਸੀ ਜੀ ਮੈਸੇਜਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਸੇਜਸ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਰ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਜੀ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਧਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੀ? ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤੀ ਚ ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ NSF ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਰਕ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਰ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਨਾ ਇਨੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 21 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣੀ ਨਾ ਇਕਦਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਬੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਭਗਤ ਯੇ ਵੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੇ ਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਇਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਨਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਾਲ ਚੱਕਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਦੇ ਆਓ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਰ ਕਦੇ ਆਓ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਥੇ ਇਨਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਇਨਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੇ2 ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੇ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਯੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਥ ਆਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਮਲਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜੀ, ਮਲਕ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੇ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਯੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਦੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਰੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੀ ਸਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਾਲੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਤਿਨ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਤਿਨ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੇ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਕਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਤਿਨ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਨਕਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਸ ਜਲਦੀ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਯਾਸਿਰ ਬਾਈ, ਯਾਸਿਰ ਮਾਮੂ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ, ਮਾਮੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਨਕਾ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੋਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਕੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਔਰ ਲਾ ਨੋਇੰਗ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਉਸਕੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਉਸਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਸਨਾ ਖੁਦ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਤਰਫ ਵੀ ਉਸਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ
ਲਾਇਰ ਨੇ ਦੇਖ ਨੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਸਰ ਨਫਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਿੰਜੁਲਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਗਰ ਉਸਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਲਾਅ ਨੇ ਪਸਿਆ ਉਸਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਸਨ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਤਨੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਝ ਸਾਰੇ ਮੁਝ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾ ਜਾਂ ਪੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਗਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੇ ਹੋਰ ਤਪ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਰਮਲਾ ਕਰਨੇ ਜਬਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਏ ਹੋਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਡ ਹਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਾਲ ਚੱਕ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਹਰਕੇ ਦਿਆਓ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲਾਈ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਾਂਡੀਕੁਲੂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰਕਤ ਦਿਆਓ ਜੀ ਹਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਏ ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕੇ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਏ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਬੜਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸਾਂ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮਨਸੇਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ ਜੀ ਕੇ2 ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇ2 ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਖਵਾਬ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾ ਇਹ ਖਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੀ ਅਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾ ਇਹੀ ਖਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ
अल्लाह करे कि आज़ादी असं की नसीब हो है। आज़ादी नल जीना असने पैना प्रावां की नसीब हो है। और तमाम अपने बुनियादी जड़े असने हकूक न वो हासिल होवन हासिल होवन बिल्कुल जी। जिले जिले मैसेज के देसो कश्मीर दे लोगां पाकिस्तान दे लोगां पूरी दुनिया के मैसेज देसो। मैसेज जी अगैन मैं वही मैसेज देसा कि अपनी आज़ादी ना मैसेज। और मैं समझनी हूँ कि जिस तरह दो दिन पहले भी एक औरतों की आज़ादी का दिन मनाया गया तो मैं समझनी हाँ कि इस वेले जो शहरी औरतों की तो माशाल्लाह पूरी आज़ादी हासिल है मगर वो जड़े जड़े असने रिमोट एरिया उन्होंने औरतों ने हकूक बहुत ज़्यादा सलब होने पे तो असा औरतों की जी शहर औरतें जिन्हें की पूरे हकूक हासिल हैं और अस उनकी इम्प्लीमेंट भी किया हुआ तो असंकी चाहना कि उन्होंने हकूक आस्ते आवाज़ उठा बिलखसूस जी उतें उस पार जी जसने भैना इतनी ज़्यादा 10,000 तो ज़्यादा असनी खवातीन की बेहुरमती हो चुकी है और हूँ भी जिस अट्रॉसिटी ने शिकार कश्मीर ने अंदर और अब हूँ तो बल्कि हिंदुस्तान ने अंदर दिल्ली ने अंदर तुसने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान यूनिवर्सिटीज़ ने अंदर जाए तो असने जी स्टूडेंट मुसलमान स्टूडेंट्स खवातीन ने किस तरह बेहुरमती करने पे तो असंकी आवाज़ उठानी चाहिए पूरी पाकिस्तान ने खवातीन की कश्मीर आज़ाद कश्मीर ने पूरी दुनिया ने खवातीन की जड़ा है खवातीन ने हवाले दिन ने हवाले नाल भी मैं गल कर सा कि उन्होंने खवातीन ने उन्होंने हकूक नहीं गल करनी चाहिए और जी यूनाइटेड नेशंस या जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ह्यूमन राइट्स ने उन्होंने की ताकि अपील करनी चाहिए कि वो जड़ियाँ सनियाँ पहनान या जितने भी दूसरे ममालिक जिथे जिथे भी अट्रॉसिटी होनी फलस्तीन होया या दूसरे ममालिक उन्होंने भी महासा की मरहल आज़ादी नहीं गल करनी चाहिए। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया बड़ा मज़ा आया तुम्हारे गपशप करके। बिल्कुल जी टाइम जरा है बिल्कुल खत्म होने वाला प्रोग्राम का तो जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो सा तो जुलने जुलने तुम्हारी तरफों भी खुदा हाफिज मैं भी खुदा हाफिजा कर दें याफ्ता जुलसा जी खोला साहब का बहुत शुक्रिया आना दो और उन्होंने इसी गल इसको जोड़ते हुए कि जी सब तो पहले और कुछ नहीं निकी जी गल कर सके जरा भैन के हक हैं जायदाद का हिस्सा जरा असा दे दूर दराज पार फलांग एरियाज बिच होंगे कि जायदाद का हिस्सा बाजूकात भैं भुल जुल दी हैं बाजूकात मुँह फेर कि बस मैं देखा ही नहीं तू खा किन खैर है तो भ्रा ऐज नहीं होने चाहिए कि भैनू का एक इंच जमीन भी हो भावें या एक रुपया भी है उस तहक है उस तहक उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल जी अपना बहुत सारा ख्याल रखो और जिंदगी तो इनशाला अगले मंगल और बुध तो खिदमत में हाजिर हो सा ताँ तड़ी दो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।